हाय, आज का टॉपिक है द डेंजर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक कॉइन में ना दो साइड रहता है, वैसे ही लाइफ में दो साइड है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला हूं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करना, कैसे यूज करना, आई मीन कैन यू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, वैसे बहुत सारे वीडियोस में डाला हूं उसके बारे में एंड पॉजिटिव साइड में। बट पहली बार नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेंजरस साइड है, क्या नहीं करना है और खतरा किसमें है। ओके, मैंने एक वीडियो डालना चाहता हूं एंड इसमें पांच एरियाज में टच करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टच ऑन फाइव एरियाज। पहला चीज, जैसे मैं बोलता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ, एक लॉ है, मतलब इट वर्क्स ऑलवेज। ऑलवेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। ओके, सो आप जो दिमाग में डालते हैं ना, वॉट एवर योर प्रोग्रामिंग इन योर माइंड, वॉट योर थिंकिंग इन योर माइंड, यू अट्रैक्ट इट वॉट एवर। ओके, इट ऑलवेज वर्क्स। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हमको केयरफुल रहना, क्या नेगेटिव सोच, कभी नेगेटिव सोच दिमाग में लेकर नहीं आना। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यार मेरा बिजनेस अगर लॉस पे हो जाएगा, क्या कुछ मुझे कुछ सिकनेस होगा क्या, बिकॉज मेरा मम्मी को है, मेरा पापा को है, मुझे भी हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट्स बोलता है यार आई डोंट नो मगर इफ आई फेल इन दिस एग्जाम, डेफिनेटली विल फेल। ओके, सो ऐसे एनीथिंग यू अट्रैक्ट, एनीथिंग यू थिंक नेगेटिव, ओके, इट विल अट्रैक्ट मच मच फास्टर। जैसे मैं बोलता हूँ, वी आर ऑल एनर्जी बींग्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट रिस्पॉन्स टू योर एनर्जी। जो भी आपका एनर्जी है, आप नेगेटिव में वाइब्रेट करेंगे तो नेगेटिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है यार आई शुड नॉट मीट द एक्सीडेंट, ओके, आई शुड नॉट मीट दिस वन, ओके, वॉट एवर इट इज नॉट वॉट यू आर सेइंग। आप जो बोलते हो वही नहीं हो, आप जो पिक्चर्स करते हो, आप जो दिमाग में लेकर आते हैं ना, उसको बार बार जो सोचते हैं वही आपको अट्रैक्ट करता है। सो वॉट वी से इज वॉट यू विजुअलाइज यू मटीरियलाइज। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, केयरफुल रहना क्या सोचना है। ओके, सेकेंड पॉइंट, क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू से एनीथिंग, मतलब क्या कैन आई अट्रैक्ट एनीथिंग इन माई लाइफ? 100% यस, बट शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे लोग हैं ना, पर्टिकुलरली द यंगस्टर्स, ओके, जो बोलता है कि आई मीन रिलेशनशिप, मुझे मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ एंड मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए एंड अभी कुछ फ्रिक्शन चल रहा है और कैन यू हेल्प मी आउट। ओके, तो मैं बोलता हूँ उसको नो। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं वही सही पर्सन है क्या। ओके, इफ आई डोंट नो वेदर द राइट पर्सन इज द राइट पर्सन, क्योंकि मैच करने के बाद, ओके, अट्रैक्ट होने के बाद, शादी होने के बाद में पता लगे कि वो सही नहीं है, कि ही और शी इज नॉट राइट पर्सन, व्हाट हैपेंस? दे विल ब्लेम मी। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको बोलता हूं, यस, व्हाट आई कैन डू इज, आपको सही आदमी जो भी है, ओके, द राइट पर्सन विल कम इन योर लाइफ, वो मैं प्रोग्राम कर सकता हूं। एंड वन मोर थिंग बोलना चाहता हूं कि आई हैव ब्रॉट इन मेनी ब्रोकन रिलेशनशिप, मतलब 10 साल या 5 साल रिलेशनशिप में मैरिड कपल, ऑलमोस्ट द वजह ऑफ ब्रेकअप और इवन डिवोर्स, ओके, दे हैव बीन यूनाइटेड एंड आज तक कोई रिजेक्टेड केस नहीं है, कोई रिपीट केस नहीं है मेरे पास। बट मैरिड कपल का अलग है, लव अफेयर के लिए अलग है, क्योंकि हमको पता नहीं है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द पर्सन ऑल्सो। थर्ड वन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे वो जॉब चाहिए, पर्टिकुलर ये जॉब चाहिए, मुझे ये कंपनी में घुसना है। ओके, वो क्या होता है, कभी कभी वो भी गलत पड़ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट इन द जॉब, ओके, आपको मिल गया वो जॉब एंड बाद में आपको देख रहा है कि वो टीम सही नहीं है, वो मैनेजमेंट सही नहीं है, वो कंपनी सही नहीं है और यू हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड। बेटर टू आस्क फॉर द राइट जॉब। ओके, डोंट चूज एनी पर्टिकुलर कंपनी, मतलब ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए, ये कंपनी चाहिए, वो कंपनी चाहिए, क्या क्या, द यूनिवर्स विल गिव इट टू यू, आपको दे देगा, बाद में आप सफर करेंगे, यू विल बी सफरिंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट, द राइट जॉब विल कम टू मी। इफ यू कैन प्रोग्राम लाइक दैट, यू ऑलवेज अट्रैक्ट द बेस्ट। एंड द फोर्थ वन, ऑलवेज बी इन सिंक विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ सिंक रहो, मतलब यूनिवर्स और मैं, ओके, वी वर्क हैंड इन हैंड। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना, कभी कभी ये हो जाता, मीन ये हो जाता है कि आई कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, जो आई हो जाता है, ओके, द इंडिपेंडेंसी, ओके, आई, ओके, द मोमेंट आई में आ जाता है ना, समटाइम्स योर डिसीजन कैन बी रॉन्ग। सो अगर मेरा डिसीजन सही है, गलत है, मुझे पता नहीं, ओनली आफ्टर जॉइन मीन गेटिंग इट दैट पता लगेगा। बट बिफोर दैट, इफ आई कैन आस्क द यूनिवर्स, और यू कैन बोल, मीन यूनिवर्स बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते, कुछ भी है, ओके, बट इट्स ओनली यू, ओके, इनसाइड यू, ओके, व्हेन यू कीप हैविंग दैट रिलेशनशिप, द यूनिवर्स विल ऑलवेज गाइड यू इन द राइट पाथ। एंड उसके साथ, मतलब हाउ टू हैव अ रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, आई थिंक आई कैन हैव अनदर वीडियो ऑन दिस, ठीक है, बट ऑलवेज लिव टू द यूनिवर्स, बिकॉज़ व्हाटएवर यू गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स विल बी ऑलवेज द बेस्ट
इनफैक्ट मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये जो मेरा जो जो कस्टमर्स है, जो जो क्लाइंट्स है, आई ऑलवेज गेट द राइट पीपल एंड आई लीव टू द यूनिवर्स ओनली सेइंग दैट लेट मी गेट द राइट पीपल फॉर माय ट्रेनिंग और कोचिंग बिकॉज द यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव मी द राइट पर्सन. एंड उसमें क्या होता है, आई हैव नो टेंशन, आई हैव नो स्ट्रेस. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट द फाइनल वन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे, ओके, इन द नेम ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे प्रैक्टिसेस, कल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है बहुत लोग, ओके, विच इज वेरी 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 डेंजरस. इनफैक्ट वेरी रिसेंटली मैं एक बंदा, मुझे अभी एक महीने पहले मुझे मेरा ट्रेनिंग लिया, ओके, और एक महीने में बोला कि बहुत सारे चेंजेस मैंने देखा हूँ, बहुत सारे चेंजेस मैं देखा हूँ, और रोने लगा कि मैं एक पुराना, मतलब ये कोच या कोई कोच या कोई ट्रेनिंग सेंटर में जा गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो जाकर ट्रेनिंग लिया एंड कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसको. एंड क्या क्या दिया उन्होंने, कुछ पिरामिड दिया, कुछ कॉपर प्लेट्स दिया और कुछ पूजा आइटम्स दिया, बोला ये सब करना है आपको. एंड अगर वो बोलता कि मुझे मतलब कुछ डाउन हो रहा हूं मैं, 5 दिन 10 दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद अगेन बोलेगा नहीं नहीं मुझे आई एम नॉट सीइंग एनी चेंजेस और आई एम फीलिंग सम नेगेटिव थिंग्स इन माय लाइफ, ओके, वो बोलेगा ओके अगला प्रोग्राम आ जाओ दैट वी आर गोइंग कंडक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, आप भी शामिल हो जाओ. क्या होता है ना, दे वर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग मनी एंड उनको ज्यादा की ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लेकर जा रहे थे एंड इट्स वेरी वेरी dangerous. For example, even this chakras, okay, people talk about spirit guidance, bahut sare kuch everything, most of the things are dangerous, okay, we don't know which is good which is bad, so be very careful. Jaise main bar bar bolta hu na, ek police wala aur ek gunda, okay, dono ke paas power hai. Jaise hum bahar se dekhte hai na spiritual practices mein sab kuch acha lagta hai aapko because power, they have power. Koi gunda aapko nahi bolega main gunda hu, तेल से ओके आई हेल्प यू आउट, मैं आपको मदद करता हूं. मगर क्या होता है, आप अगर गुंडे के साथ लेमिन गए तो क्या होता है, आपका लाइफ पूरा नुकसान से बर्बाद होता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पुलिस पीपल मीन पुलिस वाले के पास जाएगा तो यू विल बी हैविंग अ बेटर लाइफ, पीसफुल लाइफ. सो यही फैक्ट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड वेरी समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू डिफरेंशिएट विच इज गुड एंड विच इज बैड. इसीलिए इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि ये गुड एनर्जी या बैड एनर्जी, वॉट इज इंटेंशन, ओके. बॉटम में और चीज है ना, आप अगर इफ यू गेटिंग द राइट एनर्जी यू विल ऑलवेज हैव पीस, शांति, ओके. मगर आपके पास इफ यू आर गेटिंग इन द रॉन्ग एनर्जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यू विल नॉट हैव पीस. जैसे बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, उनके पास बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे नाम, उनका नाम है, उनका बहुत सब कुछ है, ओके, फिर भी उनके जिंदगी में शांति नहीं है, पीस नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द राइट एनर्जी, द राइट सोर्स. ठीक है, again, as I keep saying, ये program completely online and if you have any doubts, if you got any clarifications, मेरा numbers इधर flash हो रहा है and as I keep saying, only the right people can come to me. If you are the right persons, my numbers are flashing here and I'll be there to help you. Again, अगर आप YouTube channel पहली बार आ रहे हो तो मेरे YouTube channel subscribe करना and बगल वाला bell symbol click करना and Facebook live program में regularly आना. Again, ये videos बहुत लोगों को share करना. As I keep saying, the more you share, the more you gain. Again, Wilfred Stanley signing off from Rapid Mind Power. Bye, thank you, have a great day. We'll be right back.